फ्रेंड्स, अपने एविडेंस एक्ट लेक्चर सीरीज के 15th लेक्चर में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। विशेषाधिकृत संसूचनाएं, ये जो कम्युनिकेशंस होती हैं, ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हम बातचीत करते हैं। आप देखिए, कोई भी बातचीत, चाहे हियर्स एविडेंस हो, चाहे डायरेक्ट एविडेंस हो, ओरल हो, डॉक्यूमेंट्री हो, सब कुछ कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। अगर कोर्ट बुलाता है गवाही देने के लिए, आप कोर्ट के सामने जाना होता है। लेकिन सेक्शन 121 से लेकर के 129 तक इस पर लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कोर्ट पर भी हैं, एविडेंस देने वाले पर भी हैं, और जो एविडेंस देने की परमिशन देता है उस पर भी है। तो अब आप देखेंगे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन दो तरीके का है। एक कम्युनिकेशन, एक स्टेटमेंट तो ऐसे होते हैं जो जिनकी कोर्ट के सामने जाने की परमिशन ही नहीं होती है, तो वो होता है अफेयर्स ऑफ द स्टेट। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, वो चीजें कोर्ट के सामने रखी नहीं जा सकती। वो रखी जाती हैं 123 में, सेक्शन 123 में। आप कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे आर्टिकल 74, तो उसमें साफ लिखा गया है कि जो कुछ भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, या जो कुछ भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में, या गवर्नर और स्टेट मिनिस्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसे कोर्ट के सामने नहीं रखा जा सकता। वो गुप्त होती हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होती है, जैसे वकील के सामने कुछ आप कहते हैं कि साहब हमें बचा लीजिए, मैंने कत्ल कर दिया है, मैंने चोरी कर दिया है, मैं आपको वकील करना चाहता, मुझे बचा लीजिए, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। और वकील के सामने अगर कोई क्लाइंट इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की बात करता है, तो वकील को परमिशन नहीं मिलती, परमिट नहीं किया जा सकता कोर्ट के सामने उस स्टेटमेंट को रिवील करे। तो दो तरह का मैंने बताया स्टेटमेंट्स होते हैं। एक तो होता है कि परमिट नहीं किया जा सकता, तो जो परमिट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वो सेक्शन 123 में अफेयर्स ऑफ द स्टेट है, और 126 में प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस है। अब इसको डिस्कस करेंगे आगे चल करके। बाकी जितने आप देखेंगे 121 में से लेकर के 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, इसमें किसी भी विटनेस को आप कंपेल नहीं कर सकते। तो दो बात आ गई, एक तो कंपेल नहीं कर सकते, दूसरा कि आप स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते कोर्ट के सामने। अगर आप देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। तो हम इन दोनों डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। जो परमिशन नहीं होता 123 में नहीं होता, 126 में नहीं होता। एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट में आपको परमिशन नहीं दी जा सकती जब तक हायर अथॉरिटी की परमिशन ना हो। और दूसरा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, डॉक्टर पेशेंट का के बीच की जो कॉन्फिडेंशियल होती है, वकील और मुवक्किल के बीच जो कम्युनिकेशंस होते हैं, ये सब कोर्ट के सामने दिए जाने की परमिशन ही नहीं होती। बाकी जितने आप मैं बता रहा हूं आपको, उसमें आप कंपेल नहीं कर सकते। अगर देना चाहे तो दे, न देना चाहे तो न दे। तो कंपेल करने की कैटेगरी में पहला आता है सेक्शन 121, जजेज एंड मजिस्ट्रेट्स। जो जजेस होते हैं या मजिस्ट्रेट्स होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट सामने इंक्वायरी होती है, जजेस सामने आप ओथ लेके कुछ कहते हैं, या कोई विटनेसेस आते हैं, तो आप कोई ये इवन आरटीआई में नहीं पूछ सकता कि गवाही कैसे दी गई, गलत दी गई, सही दी गई, जब तक कि हायर कोर्ट जिसके सामने, जैसे सेशन कोर्ट है, उस पर अपील हो गई या हाई कोर्ट में चला गया, तो हायर कोर्ट जब तक परमिट न करे या ऑर्डर न दे, तब तक मजिस्ट्रेट या जज को कंपेल आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से कि अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, मतलब जब तक वो जज रहा है, चैम्बर से बाहर निकलते ही मुकदमा सुनते उसने जो कुछ कहा, वो प्रिविलेज नहीं रह जाता। प्रिविलेज वही होता है जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपने पद पर रह करके जो कुछ वो बोलता है। तो जजेज एंड मजिस्ट्रेट को भी अपने ऑफिशियल ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑफिस, सुनवाई के दौरान, मुकदमे के दौरान जो कुछ भी कहा सुना जाता है, वो प्रिविलेज होता है, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते जब तक कि
ऐसी पोजिशन ना हो कि वो खुद कहे, देना चाहे, वेव करे उसको जज या तो, या ऊपर के कोर्ट से परमिट करे कि भाई आप ठीक है, आप हमें फाइल लेके आइए या इसको रिवील करिए। अगर पब्लिक स्टेटमेंट भी देना है, कोई प्रेस ब्रीफिंग भी करनी है, तब भी हायर कोर्ट की परमिशन से भी मजिस्ट्रेट या जज कर सकता है। ये सेक्शन 121 में दिया गया है। सेक्शन 122 में मैरिजेस, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिजेस की बात की गई है। हस्बैंड, पहला क्या कंडीशन है, हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा, हस्बैंड एंड वाइफ के स्टेटस में बने रहते हुए, ध्यान रखिए बने रहते हुए, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं रहे हैं या हस्बैंड वाइफ बनने के पहले कुछ कहा गया है वो प्रिविलेज नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो लवर हैं, पैरामाउस हैं, एक दूसरे को बात करते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो वो प्रिविलेज नहीं होगा। लेकिन अगर मैरिज हो जाती है, मैरिज के दौरान जब तक उनकी मैरिज एग्जिस्ट करती है, तो पहली कंडीशन क्या है, मैरिज होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए। दूसरा, ऐसी मैरिज के एग्जिस्ट रहते हुए ड्यूरेशन में, मैरिज वो एग्जिस्ट कर रही हो, उन्होंने कुछ कहा हो। तीसरा, क्या कहा हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो हस्बैंड और वाइफ के अगेंस्ट में हो, और जो हस्बैंड ने वाइफ से कहा हो या वाइफ ने हस्बैंड से कहा हो। जैसे हस्बैंड ने कहा, क्या बताऊं मैंने एक कत्ल कर दिया आज, ये कन्फेशन हो गया, तो कन्फेशन अपने वाइफ के सामने किया, आप ऑर्डिनरी देखें रिलेवेंट फैक्ट हुआ, लेकिन ये प्रोहिबिटेड है क्योंकि लॉ खुद इसको प्रोहिबिट कर रहा है, इसलिए एडमिटेड, ये एडमिसिबल नहीं होगा। आप चाहें तो इसको एडमिसिबिलिटी और रिलेवेंसी के जब डिफरेंस देखेंगे उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। तो 122 में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कुछ भी कम्युनिकेशन होता है, क्या कम्युनिकेशन होता है, किसी ऑफेंस के बारे में होता है। किसके ऑफेंस के बारे में होता है, हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने ऑफेंस किया है और एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते हैं वो कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड है। कब तक प्रिविलेज्ड है, जब तक, जब, अब ये प्रिविलेज का मतलब होता है ये बार कब तक लगेगा उनके ऊपर। अगर उनके ऊपर या तो उनकी कंसेंट ना हो, बीवी ने कहा जैसे जाओ ठीक है तुम, हस्बैंड ने कहा ठीक है जाओ तुम गवाही दे आओ, हमने जो कुछ कहा तुमसे, जो जाकर कोर्ट में बोला मैंने इसका मर्डर किया है, जगह चोरी की है, तो कंसेंट हो या तो एक दूसरे की, या दोनों के बीच में कोई मुकदमा चल रहा हो। जैसे मान लीजिए क्रुएल्टी का केस चल रहा हो, या हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स लेना चाहती हो और वाइफ कहती है साहब ये बहुत बड़ा कतली आदमी, साथ मैं नहीं रहूंगी, तो कोर्ट पूछे बताओ कोई एग्जाम्पल इसने कैसे कत्ल किया, कोर्ट के सामने कहा कि देखिए इसने मुझसे खुद ही कहा था कि मैंने इसलिए मर्डर किया है। तो या तो कंसेंट एक दूसरे की हो या दोनों के बीच कोई मुकदमा हो, तब उनको कंपेल किया जा सकता, वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कंपेल नहीं कर सकते एक दूसरे को जब तक उनके बीच कोई केस ना हो, क्योंकि उनके बीच का केस होता, मुकदमा होता ही है, पैरवी करनी होती है, इसलिए वो गवाही देने के लिए बाउंड होते हैं, गवाही देना ही होता उनको, और दूसरी सिचुएशन कंसेंट ना हो। फिर आप 123 में, आपने बताया भी आपको कि 123 में जो स्टेट प्रिविलेज है, जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अनपब्लिश्ड हैं, अगर गजट हो गया है, पेपर में आ गया है या किसी बेयर एक्ट में आ गया है, ओपन हो गया पब्लिक में, तब तो उसका एविडेंस दे सकते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन अगर वो पब्लिश नहीं हुआ है, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दो सरकारों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, गुप्त कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो जब तक पब्लिश नहीं होता तब तक उसे कॉन्फिडेंशियली माना जाता है, तो उसका एविडेंस आप नहीं दे सकते, आपको देने की परमिशन नहीं होगी जब तक कि आपका हायर अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए एसडीएम है तो डीएम कहे ठीक है बोल दो, डीएम है तो सेक्रेटरी कहे बोल दो, सेक्रेटरी को बोलना हो तो मिनिस्टर कहे ठीक है तुम स्टेटमेंट दे दो, कोर्ट सामने बोल दो, तो हायर अथॉरिटी की परमिशन से किसी पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट की एविडेंस दिया जा सकता है, अदरवाइज एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें एक आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, काफी इंपॉर्टेंट केस था। इसमें कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिविलेज है कोर्ट देख सकता है, ये डॉक्यूमेंट्री जो प्रिविलेज है ये केवल पार्टीज के लिए है और पब्लिक के लिए है,
लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को मांग करके, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन हैं, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई कंट्रोवर्सी है, तो कोर्ट उसे देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी स्क्रूटनी कर सकता है। इसके बाद कोर्ट को लगता है नहीं ये डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है, 123 में कवर होना चाहिए, तब कोर्ट उसे प्रिविलेज मानेगा, अदरवाइज प्रिविलेज नहीं मानेगा। इसका मतलब यह हुआ जब कोई मैटर कोर्ट में लेके आते हैं और क्लेम करते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है, तो पहले कोर्ट को बताना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट प्रिविलेज्ड है। अगर कोर्ट आपके आर्गूमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है तभी डॉक्यूमेंट प्रिविलेज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये प्रिंसिपल है 123 में। अब 124 में जैसे मैंने कहा, यह तो ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट की बात हो गई। 124 में स्पेसिफिकली कहा गया है जो कम्युनिकेशन होते हैं स्टेट के बीच में, सरकारी कामकाजों के बीच में अक्सर चिट्ठी आती रहती हैं, सर्कुलर जारी करना हुआ, फैक्स आया, टेलीफोन आया, या मतलब जो रिटर्न फॉर्म में आया, जो भी टेलेक्स आया, वो सारे प्रिविलेज होते हैं, उनका आप कम्युनिकेशन करने की परमिशन आपको नहीं होती, कंपेल नहीं कर सकते उसको देने के लिए। और फिर आता है जो 125 में आता है, जैसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, जैसे सीबीआई ने आपसे कहा कि आप इस चोर के बारे में सूचना दो तो तुम्हें गुप्त रखा जाएगा, ये तो 125 में आ गया। या पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, मीडिया लग गया कि भाई हमें बताओ, तो पुलिस ऑफिसर को आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ऑफिसर का जो क्राइम कि आपको रिपोर्ट कहाँ से मिली, कैसे पता लगे क्रिमिनल ये है या नहीं है, उसका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्राइम देने के लिए आप पुलिस ऑफिसर्स को या जो मजिस्ट्रेट वगैरह को कंपेल नहीं कर सकते। फिर आप देखेंगे 126 में हमने बताया था आपको कि नॉट परमिटेड, जैसे मैरिज में नॉट परमिटेड था, वैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में क्या है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, क्लाइंट और अटॉर्नी का हो, क्लाइंट एंड वकील का हो, क्लाइंट एंड एडवोकेट का हो, नंबर एक। नंबर दो, जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाए, वकालतनामा लग जाए या वकालतनामा लगाना हो, जो उनके बीच में कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप डेवलप हो जाए कि हाँ वो मुकदमा करना हो, तो उस समय वकालतनामा लगाने के पहले भी जो बातचीत होती है वो भी प्रिविलेज हो गया। अगर वकील चुन लिया तो, अगर वकील नहीं चुना तो उस वकील को पर यह बंधन नहीं होता कि वो उसे पब्लिश ना करे, वो गवाही दे सकता है। लेकिन जो आपका केस प्लीट करता है, जो आपकी तरफ से लायर है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो कॉन्फिडेंशियल रिलेशंस को मेंटेन करे, उससे जो आप अपनी डिफेंस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे क्राइम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, उसे सप्रेस करना पड़ता है, उसे कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता है। लेकिन दो तरह के इंफॉर्मेशन के बारे में ये एक्सेप्शन दिए गए। पहला तो ये कि अगर जो कम्युनिकेशन रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं उनके बीच में, अगर उस बीच में कोई ऑफेंस करता है, नहीं सॉरी, उस बीच में कोई ऑफेंस करने के लिए एडवाइस लेता है, एक मुकदमा लड़ रहा है वो मेरा, मैं उसे कहता हूं वकील साहब मैं उसकी जमीन हड़पना चाहता हूं, आप जरा हमें तरीका बता दीजिए, तो ये प्रिविलेज नहीं है। अगर कोई कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होता है फॉर कमिटिंग एंड ऑफेंस, तो वो प्रिविलेज नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, अगर उस ड्यूरेशन में जब उनके बीच रिलेशंस हैं कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है, ऐसी चीज डेवलप कर देता है क्लाइंट जो ऑफेंस है, जो एडवाइजेबल नहीं होता, जैसे मान लीजिए वकील के घर में बैठे हुए आप वकील साहब के यहां, वकील साहब बोला मैं चाय पी कभी आ रहा हूं, आपने पीछे से कागज गायब कर दिया या कोई अपना एक एविडेंस निकाल लिया धीरे से, तो यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। तो दो तरह का एक्सेप्शन हुआ, एक तो अगर ऑफेंस के लिए कोई एडवाइस लेते हैं तो वो एक्सेप्शन है, वो कम्युनिकेबल नहीं है। दूसरा, अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो जो भी करेंगे इन फर्दरेंस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस होगा, जो ऑफेंस करने की तरफ इशारा करेगा वो भी एविडेंस, उस तरह का कम्युनिकेशन वो प्रिविलेज नहीं होगा। ये 126 में
यही दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसमें प्रॉब्लम भी आती है। ध्यान रखने की बात यह है कि जो कम्युनिकेशन रिलेशन डेवलप होते हैं, अगर वकालतनामा लगाने के पहले भी बातचीत हुई है और वकालतनामा लग गया तो वकालतनामा लगाने के पहले भी बातचीत तो प्रिविलेज हो जाती है, क्योंकि उसके वकील माना जाएगा कि आपने जो कुछ भी कहा एज ए क्लाइंट की कैपेसिटी में कहा, तो वकील को उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा आप देखेंगे 127 में ये लिखा गया है कि वकील ही नहीं बल्कि वकील का टाइपिस्ट है, स्टोनो है, या उसका जो भी स्टाफ है, उनके बीच में जैसे कहा टाइप कर दो उसको, जजमेंट टाइप कर दिया उसने, जजमेंट सॉरी प्लेन टाइप कर दिया उसने, तो प्लेन टाइप अगर कर दिया वो भी कॉन्फिडेंशियल हो गया, क्योंकि अब अगर आप लीक कर देंगे तो 126 का जो बेनिफिट है या जो कम्युनिकेशन प्रिविलेज है उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ला नहीं देगा। और 128 में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई प्रिविलेज है, वकील है, कोई अगर वॉलंटियर करता भी है, उतनी सूचना देगा कोर्ट के सामने जितनी सूचना प्रिविलेज नहीं है, केवल उन इंफॉर्मेशन के बारे में कोर्ट के सामने गवाही देने का अर्थ यह नहीं है कि हमने जो 126 में कहा था या जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वो हमने वेव कर दिया है, वो ऐसा रहेगा। तो उसके अलावा वकील जो कुछ उसने कहा है जो उसके मुकदमे के बारे में है या किसी अन्य मुकदमे के बारे में वकील मान लिए विटनेस है तो गवाही दे सकता है, लेकिन उस बारे में जो कुछ कॉन्फिडेंशियली उसे कहा गया है उसकी गवाही कोर्ट में नहीं दे सकता, जब तक कि वो पर्सन या क्लाइंट इस पर अपनी कंसेंट न दे, जब तक ये लगे ना इसको हमने वेव कर दिया, इसको हमने खत्म कर दिया है और इसको सूचना देने में कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। फिर 129 आप देखेंगे, प्रिविलेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एडवाइजर्स। एडवाइजर्स क्या होते हैं? जैसे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लीगल एडवाइस हम लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक हो, वो एक ला उसमें कवर होता है 129 में, उसे आप लीक नहीं करेंगे। हमारे बीच जो बातचीत होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। जैसे हमने नॉट ओनली लीगल एडवाइस, इवन मेडिकल एडवाइस भी, कोई एडवाइस भी, बिजनेस एडवाइस भी, वो भी प्रिविलेज होता 129 में, जब तक दूसरे पार्टी के कंसेंट ना हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हुआ प्रिविलेज कम्युनिकेशन। इसी के साथ साथ हम दो सेक्शन और बता दें आपको, सेक्शन 118-119 जो इससे थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें बताया गया कि हु कैन बी ए विटनेस। तो 118 में कहा गया कि एनी पर्सन कैन बी विटनेस, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, जब तक कि उसकी फिजिकल या मेंटल कंडीशन, चाहे बीमारी से हो, चाहे किसी और वजह से हो, इस तरीके की ना हो कि वो चीजों को ठीक से न समझ सके। कोई भी पर्सन अगर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन कोर्ट पुटअप करती है, उसको समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है और रेशनली उसका आंसर दे सकता है, कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, इवन बच्चा भी दे सकता है। उस एक्ट में आप देखेंगे बच्चों गवाही मान्य होती है। 118 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति गवाही दे सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जब तक कि अदरवाइज, चाहे फिजिकली या मेंटली इनकैपेसिटेटेड वो ना हो। 119 में बात किया जाता है डम विटनेसेस की। डम विटनेस मतलब होता है कि ना हम बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो सुनने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है या बताना पड़ता है, इंटरप्रेटर होता है। बोलने के लिए अगर आई कैन राइट, अगर हमें लिखने की, लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं तो लिख दे सकता हूं, लेकिन जो लिखना होगा या इशारा होगा, जो जेस्चर्स होंगे, दैट अमाउंट्स टू स्पीच। अगर लिख कर भी कोई देगा डम विटनेसेस, उसका बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, इससे प्रॉब्लम बहुत आती है कि उसका जो एविडेंस होगा वो एविडेंस ओरल एविडेंस होगा, वो रिटन एविडेंस नहीं होगा। बस इसमें इतना ही बताना, दो सेक्शन मुझे अलग से आपको, 118 में ऑल पर्सन कैन बी विटनेस, चाहे किसी एज का हो, किसी कैपेसिटी का हो, और 199 में कहा गया है डम विटनेसेस। तो डम विटनेसेस जो कुछ लिख करके देते हैं, जो कुछ जेस्चर से, इशारे से कहते हैं, वो सारे विटनेसेस एक्सेप्टेबल होते हैं और दे अमाउंट टू ओरल एविडेंस। थैंक यू।